आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉलम शेड्यूल कैसे बनाते हैं। आपको क्लिक करना है कॉलम कॉलम शेड्यूल, शॉर्टकट कमांड है CSE। कॉलम शेड्यूल के दो तीन टाइप्स है, CSE 1 और 2, हॉरिजॉन्टल शेड्यूल, वर्टिकल शेड्यूल। CSE, अब हम CSE देखेंगे, फिर बाद में हम CSE 1 भी हम 2 तीनों करके देखेंगे। इसे क्लिक करेंगे, कॉलम आईडी देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है और प्लान सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और आपको बाहर पिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैड में भी आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा और आपको सी ड्राइव में टेम फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको कॉलम प्लेसिंग मिल जाएगी। ये फाइल आपको ओपन करनी है। इस फाइल में आपको कॉलम साइज एज पर डिजाइन आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफॉल्ट कॉलम साइज 230x400, सभी को 230x400, जो भी हमारे प्लान हमने बनाया था उसका सब आउटपुट आया है। ये कोई डिज़ाइन करके आया हुआ नहीं है, आपको डिज़ाइन खुद करनी है। अब सैंपल के लिए हम कुछ साइज चेंज करते हैं, 230, 600, 230x750, और यहाँ पर आप स्टील चेंज कर सकते हो। मैं टेंटेटिव को चेंज कर रहा हूँ आउटपुट आपको दिखाने के लिए। ये कॉलम स्टील साइज, ये कॉलम साइज, ये स्मॉल डी, कैपिटल डी, ये आपकी फुटिंग की साइज। ये सब एडिट करने के बाद आपको फाइल सेव करनी है। इसे मिनिमाइज कीजिए या फिर क्लोज कीजिए। ये एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको फिर से नया शेड्यूल एक्सेल में जो भी बनाया हुआ साइज है वो सब अपडेटेड यहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा। आपको जाना है कॉलम कॉलम शेड्यूल, अपडेट फाउंडेशन प्लान फ्रॉम एक्सेल। जो भी हमने एक्सेल में चेंज किया है वो चेंज करने के बाद हमें कंपलसरी ये कमांड यूज करनी है, उसका शॉर्टकट है UCSE। इसे क्लिक कीजिए, कॉलम की टेक्स्ट हाइट एंटर कीजिए और प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कॉलम 1 और 2 को चेंज किया है, अभी डिफॉल्ट साइज 230x400, 230x400 जो चेंज होने के बाद आपको आपको यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट। अपडेटेड शेड्यूल निकालने के लिए आपको फिर से कॉलम में जाना है, कॉलम शेड्यूल में जाना है, CSE इसे क्लिक करना है, कॉलम आईडी देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है, प्लान सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और बाहर पिक करना है। यहाँ पर आपको अपडेटेड कॉलम जो हमने चेंज किया था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी हमने CSE कमांड देखी थी, अब हम CSE 1 एंटर करना है, कॉलम आईडी देना है, टेक्स्ट हाइट एंटर करनी है, प्लान सेलेक्ट करना है और एंटर करके आपको बाहर पिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम का जो शेड्यूल आया है ये वर्टिकल है और यहाँ पर जो आया है ये हॉरिजॉन्टल है।